Students, a very good morning to all of you. Here Hemlata ma'am is once again. Students, today I am going to start the textual questions of the poem Aunt Jennifer's Tigers by Adrienne Rich. तो स्टूडेंट्स आज बच्चे आपके साथ में जो क्वेश्चंस हैं टेक्सचुअल क्वेश्चंस आपकी पोएम के उन्हें डिस्कस करेंगे बिकॉज यस्टरडे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द पोएम. तो पोएम को हम डिस्कस कर चुके हैं तो अब इसी पोएम से रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे. तो पहले मैं थोड़ा सा एक क्विक रीज़न जो है वो आपकी पोएम को देती हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी सिर्फ एक मिनट के लिए कि इसमें क्या था मेन. तो देन उसके बाद वी विल डिस्कस क्वेश्चंस ऑफ द पोएम. तो पोएम में जो हमने डिस्कस किया था, हमने जो पढ़ा था, तो वो हमें क्या बताती, कहती कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स थे उनके कौन से टाइगर्स थे जो वो क्या करती थी, फ्रेम जो है मतलब स्क्रीन बना के ऊपर बनाती थी. स्क्रीन किसको कहा गया है, फ्रेम को कहा गया है. जैसे एम्ब्रॉयडरी करते टाइम जो एक फ्रेम का यूज़ किया जाता है उसको कपड़े को मतलब रखने के लिए, अच्छे से रखने के लिए, ताकि जो कपड़ा है वो इकट्ठा ना हो जाए, एम्ब्रॉयडरी जो है वो ख़राब ना हो जाए. तो कहते हैं कि यहाँ पे जो स्क्रीन कहा गया है उसको कहा गया कि यहाँ पे वो एम्ब्रॉयडरी करती है. तो कहते हैं कि आंट जेनिफर्स के जो टाइगर्स थे वो क्या कहते हैं, जो उसने फ्रेम किए हुए थे, जो उसने बनाए हुए थे, ठीक है, जो एम्ब्रॉयडरी वो करती थी, जो उसने बनाए हुए थे एम्ब्रॉयडरी करके, वो प्रिंट्स लगते थे. प्रिंट्स क्या होता है, फ्रेंड्स होता है कि मूव करना. आपको मैंने बताया था कि वो क्या करता है, ऐसे लगता था कि जैसे क्या कर रहे हैं, हाई स्पीड में मूव कर रहे हैं, चल रहे हैं, इस तरह से नहीं लगता था कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में है, इस तरह से नहीं लगते थे उनके टाइगर्स जो उनके द्वारा बनाए जाते थे. तो कहते हैं कि उनके जो टाइगर्स होते थे वो ब्राइट होते थे, टोपाज की तरह लगते थे. टोपाज पुखराज जो होता है, ठीक है, लाइट येलो जो होता है ना, बिल्कुल हल्का सा येलो, उसको येलो जो होता है उसको कहा जाता है. तो पुखराज का कलर होता ही ऐसा है, बिल्कुल लाइट सा हल्का सा येलो होता है, वो शाइनिंग वाला होता है. तो कहता है कि वैसा वो लगता था. तो कहता है कि यहाँ के जो डेनिजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, कि यहाँ पे जो फॉरेस्ट बनाते थे, तो ये जंगल में रहने वाली वो फॉरेस्ट बनाती थी, जैसे लगता है कि ये जंगल के रहने वाले फॉरेस्ट हैं. दे डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्री, इनके बनाए हुए जो टाइगर्स थे वो मैन से भी नहीं डरते थे. दे पेस इन स्लीक कवाल्रिक सर्टनिटी, तो वो क्या कहते थे कि मतलब उसके साथ बिना किसी डरे, बिना कुछ, वो कॉन्फिडेंस के साथ अपने जो उसका मतलब होती थी मंजिल होती थी वहाँ पर वो जाते हैं, किसी को नहीं देखते, कुछ भी नहीं करते. तो ये जो टाइगर हैं ये फियरलेस हैं, उनका ये कहने का मतलब है कि जो टाइगर्स बनाती हैं आंट जेनिफर जो है टाइगर बनाती हैं, तो वो क्या हैं, वो फियरलेस बनाती हैं, ठीक है. उनके कलर कैसा होता है, टोपाज की तरह होता है, वो ग्रीन डेंस में रहने वाले होते हैं. तो वो मैन जो है पेड़ के नीचे जो मैन हैं उनसे भी वो नहीं डरते. नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था इसमें, नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि आंट जेनिफर जो हैं उनकी जो फिंगर्स थी वो क्या कर रही थी, फ्लटरिंग कर रही थी, ठीक है, उनसे धागा नहीं पड़ रहा था. मे बी वो थोड़ी एज्ड थी, एज होने की वजह से उनके जो मतलब वो जो नीडल का यूज़ कर रही थी उसको बाहर निकालना उसके लिए मुश्किल हो रहा था. कहते हैं कि उसके पास जो मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड उसने पहना हुआ था, सिट्स हैवेली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, कहते हैं उसका काफ़ी ज़्यादा उसको वेट लग रहा था. वेट क्यों लग रहा था, बिकॉज वो अपनी लाइफ में क्या थी, सेटिस्फाई नहीं थी. उसको ये था कि डेली उसको वर्क करना पड़ता है, डेली उसको काम करना पड़ता है. तो डेली मतलब उसकी लाइफ ऐसी हो गई थी कि जब उसकी शादी हुई तो उसके बाद डेली मतलब उसने काम करना, उसकी अपनी जो फ्रीडम थी वो उसकी फ्रीडम जो है उससे जा चुकी थी. तो उसको ये चीज़ क्या लगती थी, बर्डन लगती थी. तो वो जो रिंग डाली हुई थी वो उसको क्या लगती थी, बर्डन लगती थी, कि ये क्या है, एक बर्डन है, जैसे शादी का बर्डन होता है. तो कहते इस तरह से उसको लगती थी. नेक्स्ट जो लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था कि उसके जो उसको लगता है कि जैसे जब उसकी डेथ हो जाएगी, वन आंट इज़ डेड, कि उसकी जब डेथ हो जाएगी तो तब भी उसके ऊपर क्या होगा, ये जो बर्डन है, जो काम का बर्डन है, कहते हैं उसको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे साथ ही जाएगा. मुझे डेथ के बाद भी क्या, इतना ज़्यादा उसके ऊपर प्रेशर पड़ गया हुआ था कि उसको लगता था कि ये शायद मेरी डेथ भी हो जाएगी तब भी मुझे ये जो डेली मेरे काम करती हूँ, मेरी अपनी जो फ्रीडम है वो चली गई है, तो मुझे ऐसा ही करना पड़ेगा, मेरे ऊपर प्रेशर ही रहेगा उसके हस्बैंड का. उसको ये फील होता है कि शायद उसके हस्बैंड का उसके ऊपर प्रेशर ही रहेगा. तो बेटा ये पोइम हमने कल डिस्कस की थी, तो उसको क्यों लगता था, क्योंकि वो अपनी लाइफ से हैप्पी नहीं थी, तो इसलिए वो क्या बनाती थी, टाइगर्स जो हैं वो बनाती थी. वो बताती थी कि ये क्या है, ये फियरलेस है. तो
अब हम इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो क्वेश्चन डिस्कस जब करेंगे फिर आपको ये और भी अच्छे तरह से समझ आ जाएगी, अगर मतलब इसमें कोई कन्फ्यूजन है। वैसे तो ऑलरेडी वी हैव डिस्कस अबाउट इट। सो इसके क्वेश्चंस जो हैं वो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इसका, हाउ डू द डेंजन्स एंड द कीवेल्ड्रिक ऑड टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टाइगर्स एटीट्यूड। कहते हैं ये जो यहाँ पे डेंजन्स दिया गया है, कीवेल्ड्रिक जो दिए गए हैं, ऐड टू आवर अंडरस्टैंडिंग, हमारी अंडरस्टैंडिंग को ऐड करने के लिए, ठीक है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए कि उसका क्या था, टाइगर्स के एटीट्यूड क्या होते हैं, तो इन वर्ड्स का यूज़ किया गया है, वो कैसे यूज़ किया गया है, कैसे है? मतलब इन वर्ड्स के यूज़ से हम समझ सकते हैं टाइगर्स के जो एटीट्यूड हैं उसको। कहता है कि टाइगर्स आर द डेंजेंस ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, ये वर्ल्ड ऑफ ग्रीन में रहने वाले होते हैं, दे लव टू लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच इज़ द फॉरेस्ट, ये फॉरेस्ट में रहना पसंद करते हैं, दे आर द ब्रेव एंड द वार लाइक, ये ब्रेव होते हैं और वार लाइक होते हैं, जिनको वार पसंद होती है, ठीक है, दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ह्यूमन बींग, और ये ह्यूमन बींग से नहीं डरते। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स हैंड आर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल इन द सेकेंड स्टेंजा, वाई इज फाइंडिंग द नीडल सो हार्ड टू पुल। तो कहता है कि जो आंट जेनिफर है उसका हैंड जो है वो हैंड्स जो हैं वो क्यों फ्लटरिंग कर रहे थे थ्रू हर वूल, जब मतलब वो नीडल के साथ वो कर रही थी एम्ब्रॉयडरी करती, क्यों उसके हाथ जो है वो फ्लटरिंग कर रहे थे, जो आपको सेकंड स्टैंजा में बताया गया है। कहता है वाई इज़ फाइंडिंग द नीडल टू हार्ड टू पुल, और क्यों वो जो नीडल थे उसको निकालना मुश्किल हो रहा था, उसके लिए पुल करना उसको मुश्किल हो रहा था। कहता है आंट जेनिफर सीम्स टू हैव ग्रोन वेरी ओल्ड एंड वीक, कि शायद कहता कि ऐसा लगता है कि शायद जो आंट जेनिफर है वो काफ़ी ज़्यादा ओल्ड होंगी और काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी होंगी, दैट इज़ वाई हर हस्बैंड्स आर फ्लटरिंग टू हर वूल। कहते हैं कि इस वजह से उसके जो हैंड्स हैं, हैंड्स आर फ्लटरिंग, जो उसके हैंड से वो क्या कर रहे थे, फ्लटरिंग कर रहे थे थ्रू हर वूल। कहते हैं शी इज़ फाइंडिंग इट हर्ड टू पुल द नीडल्स बिकॉज हर वीक हैंड्स आर ट्रेवलिंग। कहते हैं शायद इस वजह से उसको पुल करना, नीडल को पुल करना मुश्किल होता होगा, क्योंकि वो क्या थे, उसके हैंड जो हैं वो मतलब वो वीक थी, इस वजह से उसके हैंड जो थे वो ट्रेवलिंग कर रहे थे, ठीक है, तो हैंड जो है ट्रेवलिंग करने की वजह से उसको नीडल जो है उसको पुल करना मुश्किल हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका थर्ड, व्हाट इज सुजेस्टेड बाय द इमेज मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड। तो कहता है कि व्हाट इज सुजेस्टेड बाय द इमेज, जो हमें इमेज वो दिखा रहे हैं हमारी आंखों के सामने जो इमेज आ रही है, कहते हैं मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड, तो इसका क्या मतलब है, क्या सुजेस्ट कर रहा है वो। कहते हैं आंट जेनिफर्स मैरिज वॉज जस्ट लाइक ए हैवी बैंड ऑन पुट ऑन हर। कहते हैं कि आंट जेनिफर्स की शादी ऐसे लगता है कि जैसे उसके ऊपर क्या है, कि हैवी बैंड रखा गया है, ठीक है, वो मतलब जैसे होता है कि एक अपनी लाइफ से खुश नहीं होता। कहते इस तरह से विद हर मैरिज शी लॉस्ट ऑफ हर फार्मर फ्रीडम। कहते कि उसकी शादी के साथ उसकी जो जितनी भी जो फार्मर फ्रीडम्स थी वो लॉस्ट हो चुकी हुई हैं, मतलब उसने अपनी फ्रीडम जो है वो सारी क्या कर दी है, लॉस्ट कर दी है। नाउ शी वॉज टायर्ड टू द डेली चोर्स ऑफ द अंकल्स होम। तो कहते हैं अब वो किसके साथ बंधी हुई है, अब किसके साथ मतलब टाइड हो गई हुई है, कि डेली के जो काम होते हैं, डेली उसकी हस्बैंड के घर के जो काम है, अब उसके साथ बन गई है, अब वो अपनी जो फ्रीडम थी वो मतलब उसके पास नहीं रही, जैसे वो जीती थी, जैसे वो रहती थी, वो फ्रीडम अब उसके पास नहीं रही। तो कहते हैं शी हैड नो लिबर्टी आर विल ऑफ हर ओन। तो कहते हैं अब उसके पास कोई लिबर्टी नहीं है कि वो अपनी चॉइस से कुछ भी कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर फोर, ऑफ वट आर होम इज़ आंट जेनिफर्स टेरिफाइड इन द थर्ड स्टैंजा। कहते हैं कि जो लास्ट स्टैंजा है आपका, थर्ड स्टैंजा जो है, उसमें किससे और क्या मतलब क्यों वो डरती है, ठीक है, जेनिफर टेरिफाइड क्यों है। कहते आंट जेनिफर्स इज टेरिफाइड ऑफ द हार्ड चोर्स शी हैज़ बीन परफॉर्मिंग सो फार इन हर लाइफ। कहते हैं वो क्यों टेरिफाइड है, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हार्ड जो काम जो है अपनी लाइफ में उसने किया है। She is afraid that she will have to do the same one even after her death. तो कहते हैं वो इसलिए वो डरती है कि शायद मुझे डेथ के बाद भी यही काम करना पड़ेगा, मतलब वो इतनी ज़्यादा प्रेशराइज हो गई थी कि उसको ऐसे लगता था कि जैसे जब मेरी डेथ हो जाएगी शायद मुझे फिर भी ये काम करने पड़ेंगे, इसकी ही बात माननी पड़ेगी, इसके हस्बैंड की ही बात माननी पड़ेगी, वही काम इसको करने पड़ेंगे। कहते हैं शी इज़ अफ्रेड डैट शी विल हैव टू डू द सेम वंस इवन आफ्टर द डेथ। कहते हैं उसको ये लगता था कि शायद डेथ के बाद भी मुझे ये काम करने पड़ेंगे। What are the ordeals Aunt Jennifer's is surrounded by? What is signified that the poet uses the word ring? कहते हैं कि जो what are the ordeals Aunt Jennifer's is surrounded by? Ordeals क्या थे, जो उसके bad experience थे वो क्या थे, उसके आसपास क्या थे bad experience Aunt Jennifer के,
कहता है वाई सिग्निफाइज द पोइट, पोइट क्या सिग्निफाई कर रहा है, क्यों मतलब इसको सिग्निफाई कर रहा है पोइट, यूज द वर्ड रिंग, जो रिंग यहाँ पे यूज किया है तो वो क्या सिग्निफाई कर रहा है। कहता है आंट जेनिफर्स ऑर्डरिल्स आर द ऑर्डरिल्स ऑफ कीपिंग हर हस्बैंड हैप्पी। कहते हैं कि उसका जो बैड एक्सपीरियंस यही था कि वो उसको अपने हस्बैंड को क्या रखना था, खुश रखना होता था। शी कैन डू नथिंग अगेंस्ट द विशेज ऑफ हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड की विशेज अगेंस्ट उसको कुछ भी नहीं करना होता था, मतलब उसके ऊपर इतना प्रेशर था, वो प्रेशराइज थी काफ़ी ज़्यादा। तो वर्ड रिंग कन्वे द आइडिया डैट द आंट जेनिफर्स कैन नेवर गेट आउट ऑफ देयर स्लैविश रूटीन। तो कहते हैं जहाँ पे जो वर्ड रिंग का मतलब बताया गया है, आपको मैंने कहा था ना वहाँ पे कल में भी मैंने बताया था कि रिंग के दो मीनिंग है, एक तो रिंग होती है हाथ में डालने वाली, एक रिंग का यहाँ पे मीनिंग क्या बताया गया है कि उसके सराउंडिंग में, ठीक है, जैसे कोई चीज़ होती है ना कि आपको ऐसे कवर का बीच में खड़े हो तो आपके आस पास रिंग लगी हुई है, ठीक है, आप बाहर नहीं निकल सकते। तो कहते हैं इस तरह से यहाँ पे जो रिंग है ये कन्वे क्या करी है, द आइडिया डैट द आंट जेनिफर्स कैन नेवर गेट आउट ऑफ देयर स्लैविश रूटीन, की जो आंट जेनिफर है अपने डेली जो वर्क है उसके डेली जो काम है उनसे वो बाहर नहीं निकल सकती, क्यों, क्योंकि उसके आसपास क्या लगी हुई है, रिंग लगी हुई है। इस तरह से मतलब एक इमेजिन किया गया है कि वो अपने कामों से बाहर नहीं आ सकती। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर्स क्रिएटेड एनिमल्स दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। कहते हैं कि आंट जेनिफर्स जो है वो ऐसे एनिमल्स क्यों क्रिएट करती थी जो उसके करेक्टर से टोटली डिफरेंट थे। What might the poet be suggested through the differences? और इस differences के थ्रू जो poet है वो हमें क्या suggest करने की कोशिश करता है। कहते हैं perhaps Aunt Jennifer created through the tigers a pictures of her own husband। कहते हैं कि शायद इसके थ्रू कि जो जो tigers ये बनाती है pictures of her own husband, अपने husband की ये picture ही बनाती है। There is also a suggestion that a woman create man। कहते हैं यहाँ पर एक और suggestion देना चाहता हूँ कि woman जो होती है वही man को create करती है, ठीक है, वुमेन ही मैन को क्रिएट करती है। बट दोज वेरी मैन डोमिनेटेड एंड द ट्रेंड ओवर वुमेन्स वन दे ग्रू अप। तो कहते हैं यही जो मैन होते हैं ये क्या करते हैं बाद में वुमेन को डोमिनेट करते हैं और इनके ऊपर अत्याचार करते हैं जब ये क्या हो जाते हैं ग्रू अप हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं शायद उसको यही चीज़ वो बनाती थी हस्बैंड की, मतलब कि उसका हस्बैंड कैसा था, ये चीज़ बता यहाँ पर वो बनाती है। और पोएट जो हमें सजेस्ट करता है कहता है कि यही है कि औरत ही तो इंसान को बनाती है, मतलब उसको जन्म कौन देती है, आदमी को जन्म कौन देती है, औरत ही देती है, और वही जब बड़ा होता है तो वही क्या करता है उसको डोमिनेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, इंटरप्रेट द सिंबल फाउंड इन द पोएम। पोएम में कौन से सिंबल यूज़ किए गए हैं, आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, जहाँ पर पूछा जा सकता है कि हाउ डू सिंबल्स इन द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हर प्लाइट, कि उसकी प्लाइट को उसकी हालात को तो अंडरस्टैंड करने के लिए सिंबल्स यूज़ किए गए वो कौन से हैं पोएम में। कहते हैं द टू मेन सिंबल्स यूज इन द पोएम्स आर द टाइगर्स एंड द स्क्रीन। दो मेन सिंबल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, देन फर्स्ट इज़ योर टाइगर्स एंड द सेकंड इज़ योर स्क्रीन, ठीक है, टू मेन सिंबल्स यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। टाइगर्स जो है वो रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिविटी एनर्जी ऑफ द वुमेन, वुमेन की क्रिएटिविटी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है कि वो कितनी मतलब क्रिएटिव थी उस चीज़ को, कि जैसे वो एक मतलब आदमी को भी जन्म देती है तो ये उसकी क्रिएटिविटी है, तो उसकी क्रिएटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। अगर वो एम्ब्रॉयडरी करती है तो क्या है वो भी तो उसकी क्रिएटिविटी है। तो कहते हैं ये जो सिंबल टाइगर्स जो है ये क्या करता है, कहते हैं कि टाइगर्स रिप्रेजेंट द क्रिएटिविटी एनर्जी ऑफ द वुमन, वुमन की क्रिएटिविटी एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। द स्क्रीन रिप्रेजेंट द रेंज ऑन विच द क्रिएटिविटी एनर्जी वर्क, और स्क्रीन जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, रेंज, एक रेंज होता है, ठीक है, एक दायरा किसी चीज़ का कि उस दायरे के बीच में रह के उसको क्या करना है, काम करना है। तो कहते हैं जो स्क्रीन होती है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है। देन वो कहता है कि दस द टाइगर्स आर द सिंबल्स ऑफ मैन प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन। कहता है जो टाइगर्स हैं वो सिंबल है मैन का जो प्रोड्यूस्ड बाय वुमेन, जिसको वुमेन जो है वो प्रोड्यूस करती है, पैदा करती है। जो टाइगर्स हैं वो किसका सिंबल है, मैन का, ठीक है, आदमियों का सिंबल है जो कौन प्रोड्यूस करती है, वुमेन करती है। आदमियों को जन्म कौन देता है, औरत ही तो देती है। कहते हैं कि द स्क्रीन इज अ सिंबल ऑफ द वुमेन्स लाइफ ऑन विच द मैन प्रेंस अवॉर्ड। तो कहते हैं जो स्क्रीन है ये किस चीज़ का सिंबल है, वुमेन्स लाइफ ऑन विच द मैन प्रेंस अवॉर्ड, और मैन जो है उसके ऊपर क्या करता है, जिसे झपटता है चाहे उसको दुखी करता है, इस चीज़ का सिंबल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका, एट्थ क्वेश्चन, डू यू सिंपैथाइज विद आंट जेनिफर्स, व्हाट इज़ द एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर्स टुवर्ड्स आंट जेनिफर। कहते हैं कि क्या आप आंट जेनिफर्स के लिए सिंपथी रखते हो, और जो स्पीकर है उसका क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स द आंट जेनिफर्स। कहते हैं कि यस आंट जेनिफर्स विंस ऑल द सिंपथी, कि आंट
जेनिफर जो है ये सभी की सिंपथी जो है उसको विन करती है। शी वर्क्स टायरलेसली टू क्रिएट हर टाइगर्स, वो वर्क करती है टायरलेसली मतलब बिना थके वो काम करती है, टू क्रिएट हर टाइगर्स अपने टाइगर्स को वो करने के लिए, बनाने के लिए मतलब उसको जन्म देने के लिए, इंसान को जन्म देने के लिए वो काम करती है। जैसे यहाँ पे बताया गया वो काम करती है टायरलेसली अपनी वो टाइगर्स को बनाने के लिए। द टाइगर्स फ्रेंड्स अक्रॉस द स्क्रीन फियरलेसली, कहते हैं जो टाइगर्स होते हैं वो मूव करते हैं फियरलेसली, स्क्रीन से मूव करते हैं फियरलेसली, कोई उनको डर नहीं है। जो स्क्रीन उसने बनाई फिर वो वहाँ से मूव करते हैं फियरलेसली, उनको कोई डर नहीं कि किसने मुझे जन्म दिया किसने नहीं दिया, इस तरह से मतलब ये समझाने की हमें कोशिश की है। कहते हैं द स्पीकर फील्स ग्रेट सिंपथी फॉर द आंट जेनिफर्स, तो जो स्पीकर है उसको ग्रेट सिंपथी है किसके साथ, आंट जेनिफर के साथ। शी सेज दैट वाइल आंट जेनिफर विल बी लाइंग डेड इन हर ग्रेव हर टाइगर्स विल स्टिल गो ऑन द प्रिंसिंग्स एंड प्राउड एंड अनफ्रेड, तो कहते हैं कि आंट जेनिफर्स के लिए शी सेज, वो कहती है कि जब आंट जेनिफर जो है वो बेड के ऊपर पड़ी लेटेगी, ठीक है डेड हो जाएगी सॉरी, जब वो डेड हो जाएगी ग्रेव में लेटेगी अपनी मतलब जहाँ उसको दफनाया जाएगा ग्रेव में लेटेगी, तो तब भी क्या होगा कि ये जो टाइगर्स उसने बनाए हैं ये क्या करेंगे, प्राउडली प्राउडली जाएंगे, अनअफ्रेड होंगे, इनको किसी चीज़ का कोई डर नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स आज हमने इसके जो टेक्सचुअल क्वेश्चन हैं वी हैव डिस्कस, तो वो हमने डिस्कस किए हैं, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।